सभा करवाने वाले हैं। आप लीजिए। तब किसे सोच रहे किसान आंदोलन को लेकर आप बैठे हुए 8 महीने से और यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सभा करवाने वाले हैं, क्या ताउस में शामिल होंगे सभा में? नहीं, किसानों की सभा नहीं है वो। अच्छा, वो बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है किसानों को तोड़ने की साजिश है। कौन किसान जाएगा उसमें? उसमें असली किसान जाने वाले हैं। चले गए, तुम भी चले गए। ताऊ किसान आप है, हक की आवाज आप उठा रहे हैं यहाँ पे ना? तो किसान हक की आवाज उठा रहा, किसान यहाँ बैठा है, किसान बात कर रहा है। किसान से बात करेंगे नहीं तो किससे बात करेंगे? वो तो किसान से ही बात करने के लिए सभा करवा रहे हैं। तो ये कौन बैठे हैं? ये अमेरिका से आए हैं। वो किसान सभा नहीं होगी, वो बीजेपी सभा होगी और ये किसानों का डर होगा। कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी से विचार किया है किसानों की आय दुगनी करने के लिए, कि सालाना 12,000 रुपए आएंगे जो 6,000 आते हैं। विचार हो रहा है इस पर ऐसा। इससे आय दुगनी होगी, आय दुगनी होगी खेती से, और दुगनी तो 1 जनवरी से मांग लेगा ना किसान। देश के मोदी ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2022 में किसान की आय दुगना होगी, तो गन्ने का पेमेंट 650 रुपए पहली तारीख से चाहिए, 4,000 रुपए गेहूं का रेट चाहिए, 3,700 रुपए धान का रेट चाहिए, हर चीज का डबल। आप कहते हैं किसानों के लिए काम नहीं करते हैं, वो विचार कर रहे हैं इस पे कि जो 2,000 रुपए आते थे वो 4,000 आएंगे अकाउंट में, इससे आय दुगनी कहाँ हो जाएगी? अरे एक हाथ से लेते हो, दूसरे हाथ से सारा निकाल लेते हो। जो डीजल हमारा 50,000 का लगता था, आज वो 1,00,000 का लग रहा है। 50,000 जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का आता था, वो आज 900 रुपए का आ रहा, 6,000। और इसके लिए तो कहते हैं, जो पेट्रोल की बात की आपने, उसके लिए तो निर्मला सीतारमण ने कल ही बयान दिया है कि ये जो है पिछली सरकार की गलती है, उसकी गलतियाँ जो है उसका नतीजा है। क्यों, क्या गलतियों का नतीजा बताए? अगर पिछली सरकार में 1,100 रुपये का पेट्रोल हुआ है, पिछली सरकार में 900 रुपये का सिलेंडर हुआ है, पिछली सरकार में 92 रुपये से ऊपर पेट्रोल बिका है डीजल, बताए ना। बताओ जिस तरह से आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा, योगी जी की बात की यकीन क्यों नहीं हो रहा, जब वो सभा करवा रहे हैं आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम असली किसानों से बात करें। आप तो असली किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हम भी आपसे खेत पे मिले हुए हैं, तो आप जा क्यों नहीं रहे वहाँ? असली किसान अपना मांग रहा 12,000 करोड़ रुपये गन्ने का, देगा? बताए योगी की तनख्वाह 1 महीने की रुकी हुई है, किसी सांसद विधायक की है, देश के प्रधानमंत्री की है, तो किसान का 1 साल से 12,000 करोड़ रुपए की रोक रखा। तो वहाँ जाओगे बात करोगे तब न समाधान होगा, योगी जी से बात करो। अरे हम तो देश के प्रधानमंत्री से बात करने आए थे, 9 महीने से बैरिकेडिंग लगा के रोक रखा। चुनाव नजदीक है ताऊ, आप लोगों को खुश करना चाह रहे हैं योगी जी, आपका जो फसलों का दाम देना चाह रहे हैं, आप है कि मिलना नहीं चाह रहे उनसे? अरे दाम ही तो मांग रहे, हमने कद गया हमारे पैसे दे, क्यों नहीं दे रहा? आलू का किसान रो रहा है, धान का किसान कैसे करेगा? अच्छा, निरहुआ जो है ताऊ, निरहुआ जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेगी, तो अस्वस्थ है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो है इस बार जो योगी जी का डंका बज रहा है पूरा पूर्वांचल में एकदम असर दिख रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हैं, नाचने गाने वालों की बात करते हैं? नाचने गाने वालों का कोई ईमान धर्म है? या जो पैसे ज्यादा देगा उसके मोटे पे जाके नाचना शुरू कर देना। 70 युवा चलकर आए हैं कावड़ की तरह डिग्री बॉर्डर की तरह, तो क्या लगता है उनको कहा जा रहा है कि ये आंदोलन को और मजबूत बना गया है, तो अब तक मजबूत नहीं था? कौन युवा चल के आए हैं? तो ये आएंगे, युवा तो आएंगे, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ भी तो आ रहे, सब आ रहे हैं, जल मिट्टी लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं किसानों पे हम चढ़ाएंगे इस बार, ताकि जो सद्बुद्धि मिले इस वाले सरकार को। अच्छी बात है, युवा जुड़ता जा रहा है, देश के लोग जुड़ते जा रहे हैं, आंदोलन का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है। अगर देश बचाना है तो आंदोलन में आना पड़ेगा सबको। जिस तरह भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करते, और व्यापार करते करते सारे व्यापार पर कब्जा किया और भारत गुलाम कर लिया, इसी तरीके से मोदी देश के सारा व्यापार अडानी अंबानी को देता जा रहा है, और अडानी अंबानी कंपनी देश पर कब्जा कर लेगी, देश फिर गुलाम के गुलाम बन जाएगा। तो देश को गुलामियत से बचाना है, अपनी जड़ जमीन बचानी है, अपनी आन बान शान बचानी है, भूख
से मरने से अपने देश को बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। काउ आप कह रहे देश बिक रहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, विकसित भारत विकासशील भारत। पूछ जाके उस प्रधानमंत्री से, तुम तो प्रधानमंत्री कहते हो, मैं कहता हूँ अडानी अंबानी का चौकीदार है, जा कर के पूछ के लाल किला क्यों दिया अडानी, उसे लाल किला किराए पर दिया था, बार बार आप कहते लाल किला भारत की धरोहर किराए पे दे दी। पूछ रेलवे क्यों बेच दिया, प्राइवेट किया था बेचा था, प्राइवेट क्या हो, सरकार की संपत्ति अगर प्राइवेट आदमी पे चली जाए वापस ले लेगा, कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा, एयरपोर्ट कहाँ गए, रेलवे स्टेशन कहाँ गए, LIC कहाँ गई, जब विकास के लिए किया जा रहा है, विकास के लिए किया जा रहा है, पिछली सारी सरकारें मूर्ख थी जो ये संपत्ति देश के लिए जोड़ करके गई थी, वो विकास के लिए जोड़ी थी, वो तो कह रहे हैं 70 साल में विनाश किया है कांग्रेस ने, हम विकास के रास्ते में चल रहे हैं, ये किसने कहा, 70 साल किसने कहा बताइए, आज पत्रकार से पूछ रहा हूँ, सवाल सवाल ढंग में पूछा करो, 70 साल किसने कहा, फिर मैं उसी पर जवाब, पिछले सरकार जो 60 सालों से सरकार जो काम कर रही है, 70 से 60 पे पत्रकार आ गया, कंफ्यूजन हो गए, चलो कितना 60 साल जो काम, 60 साल सरकार ने काम ही नहीं किया कांग्रेस ने, 60 साल कांग्रेस ने राज ही नहीं किया, तो बात में तो कह रही ना कि 60 साल में विनाश कर दिया, क्या क्या विनाश करा, देश के अंदर संपत्ति बना करके विनाश होता है या संपत्ति बेच करके विनाश होता है, तेरा घर बिकेगा तब कंगाल होगा या तेरे पास घर रहेगा तू तब कंगाल है, बता तो वो कैसे कह रहे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ये सवाल, उनसे पूछना, वहाँ जाने की औकात है किसी पत्रकार की, भारत के किसी पत्रकार की औकात है उसके पास जाने, प्रधानमंत्री दे इंटरव्यू देते हैं ना अक्षय कुमार को, किसे, अक्षय कुमार पत्रकार है, दिक्कत क्या है, किसी को दे रहे ना इंटरव्यू, क्या दिया, पूछा उसने ये सब, पूछा तो आम कैसे खाते हैं, बस तो फिर ऐसे ही बिकेगा सारा देश, जब देश के प्रधानमंत्री से तुम लोग एक नाचने गाने वाले से इंटरव्यू दिलाओगे और ऐसे सवाल पूछोगे तो देश बचेगा, सम्मानित नागरिक है कौन, अक्षय कुमार कौन कह रहा, प्रधानमंत्री खुद उनको, तो भारत का नागरिक भी नहीं है, जो सभा हो रही है प्रधानमंत्री तो मिलते रहते हैं उनसे, अरे मिलने तो गधों से भी मिलते हैं, वो भारत का नागरिक नहीं है, अक्षय कुमार भारत की नागरिकता छोड़ चुका है, देशभक्त अपने आप को कौन कहता है, अक्षय कुमार तो गद्दार लोग तो अपने आप को कुछ भी कह दे, ताऊ आप कह रहे हैं वहाँ किसान सभा जो करा रही है उसमें नहीं जाएंगे, तो ये किसानों को लुभाने की सभा हो रही है, या 5 तारीख को हमारी महापंचायत है किसानों की सिसोली, उसमें मुजफ्फरनगर में हम उसमें जाएंगे, तो ये लुभाने के लिए वो कर रहा है आपको या फिर लुभाना नहीं है, लुभाना नहीं है, चुनाव नहीं है, देश को भ्रमित करना, क्योंकि अब तक तो कर नहीं रहे थे, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भ्रमित करना, जनता को भकाना, जनता का बेवकूफ बनाना, उसके लिए कर रही है, आने वाले चुनाव में क्या लगता है क्या क्या और हथकंडे अपनाएंगे, ये सब अपनाएंगे, हिंदू मुस्लिम भी अपनाएंगे, कब्रिस्तान शमशान भी अपनाएंगे, पाकिस्तान भी आएगा, जाति धर्म भी आएगा, हत्याएं भी होंगी, अपहरण भी होंगे, सब करेंगे, हमें सबसे बचना, तालिबान आएगा कि नहीं चुनाव में, कौन तालिबान आ सकता है, आपने कहा पाकिस्तान आ जाएगा, आपने कहा पाकिस्तान हमेशा से आता है इनके चुनाव में, बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं जो पाकिस्तान का नाम ना लेता हो, क्योंकि जब तक वे अपने रिश्तेदारों का नाम ना ले ले तब तक उनके रोटी हजम नहीं, मोदी से थर थर कांपता है पाकिस्तान, आपका रिश्तेदार है उसका, कौन मोदी से कांपता है पाकिस्तान, तो फौज क्यों लगा रखी, थर थर कांपता है पाकिस्तान, कांपता है और लाल किले के चारों तरफ क्या करता है, क्या कर प्रधानमंत्री है, थोड़ा सुरक्षा तो चाहिए उन्हें, कहाँ लाल किले पे जो उन्होंने भाषण दिया था तो कंटेनर लगाए थे, सुरक्षा तो चाहिए, प्रधानमंत्री देश के हैं, क्या हो गया, तो जब आप पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है तब सुरक्षा नहीं थी, अपने देश के लोगों से असुरक्षा और अपने रिश्तेदारों में सुरक्षित, 26 जनवरी को क्या हुआ था, पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया था ना, लोग कह रहे बीजेपी वाले कह रहे थे दिमाग में सिर्फ 26 जनवरी की वो घुसा हुआ,
है हिंदुस्तान के अंदर कोई एजेंसी जो 26 जनवरी की निष्पक्ष जांच कर दे, करा दो। कह तो रही है भाजपा वाले ये सब आतंकवादी सब बैठे हुए थे, वही सब हमला कर, उन्हीं के डर से सब कंटेनर लगाया गया था। तो उनसे पूछो कि आतंकवादी कैसे घुस गया इस देश में, कैसे घुस गया देश में, सेना उनकी, सुरक्षा एजेंसी उनकी, तो फिर ये आतंकवादी कैसे घुसाए दिल्ली, पता है? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो है बंगाल के उसमें चुनाव में बड़ा चेहरा माने जा रहे थे, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा चेहरा माने जाएंगे प्रधानमंत्री? बड़ा तो ये कुछ ये जो गधे को बाप बना सकता है तो वो बड़ा बड़ा करते रहेंगे। बड़ा जनता होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है, जनता ही सांसद बनाती है, जनता ही विधायक बनाती है। जनता है वो जहाँ तक लग रहा है खुश नजर आ रही है, उनकी वो आवाज बना के दे रहे हैं। ये कौन है, यूपी के नहीं है क्या? सब पता चल जाएगा, 6 महीने रुक जाओ, सबको पता चल जाएगा कौन खुश है कौन नाखुश है, किसको जाना है किसको आना है। 6 महीने तो अगर आ गई दोबारा से मुख्यमंत्री बन गई होगी आदित्यनाथ, फिर क्या क्या रहेगा? बन गया तो हमारे सिर पे चढ़ेगा, आंदोलन है, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता है। तो आखिरी सवाल है, आपने निरहुआ वाली बात को काट दी थी, निरहुआ स्टार प्रचारक है भाजपा के उत्तर प्रदेश, इसका मतलब मोदी से बड़ा, योगी से बड़ा ना, बस तो फिर उसकी बात क्या कर रहे हैं? यहाँ लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, ऐसे बीजेपी वालों के मैं मुंह नहीं लगता। क्या है निरहुआ, कल तक नाचने गाने वाला था, आज तुझे टिकट दे दे, आज तू माइक ले रहा, आज कल को तुझे टिकट दे दे तो तू भी बड़ा हो जाए। तो क्या है, तो ये बड़ा पत्रकार था, ऐसे क्या होता? कुछ नहीं होने, प्रभाव नहीं दिख रहा क्या पूर्वांचल में? पूर्वांचल में पकड़ है लोग उनको। राजनीतिक बात जो है ये राजनीतिक नेताओं से बात किया या किसान आंदोलन की बात किया? आप किसान आंदोलन में है, जनता है, आपको पता होना चाहिए। बता दिया ना, हम वोट देंगे जिसे देंगे देंगे, मस्त मर्जी हमारी, क्योंकि चुनाव आयोग का एक नियम है कि वोट अपनी गोपनीय रखना। चलिए, धन्यवाद।